आज के विषय हैं राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं। इसमें पहली प्रसिद्ध महिला राजस्थान की हैं प्रतिभा पांडे। प्रतिभा पांडे धौलपुर निवासी प्रसिद्ध चित्रकारी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध चित्रकार रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई फॉल ऑफ बर्लिन इनकी सर्वोत्तम पेंटिंग है। इसके पश्चात आती हैं श्रेष्ठा सोनी। उदयपुर जिले की प्रतिभावान बाल नृत्यांगना लिटिल वंडर के नाम से प्रसिद्ध हैं। रतन शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ की संस्थापिका हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के खाचरोद कस्बे में हुआ। ये हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद आता है अस्मिता काला का नाम। जयपुर जिले की निवासी हैं। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। इन्होंने अपने सिर पर 11 मटके रखकर नृत्य करते हुए रिकॉर्ड कायम किया। इस उपलब्धि के लिए इन्हें लिटिल वंडर की उपाधि दी गई। तत्पश्चात आता है जोशीता शर्मा का नाम, जो जयपुर निवासी हैं। हाल ही में इन्होंने 118 मटके सिर पर रख करके भवाई नृत्य करके अस्मिता काला के पूर्व में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। जमीला बानो जोधपुर निवासी राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका हैं। जमीला बानो के बाद नाम आता है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। इनका जन्म 1916 में मेवाड़ के प्रसिद्ध देवगढ़ ठिकाने में हुआ। ये केंद्रीय रक्षा सलाहकार समिति की सदस्य एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 1978 में न्यूयॉर्क में आयोजित निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि रहीं। इनकी रचनाएं हैं हुंकारो दोसा, कहानी संग्रह, कैसे करें चकवा चकवी बात, टाबरारी बाता कहानी संग्रह। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बाद आती हैं भुवनेश्वरी कुमारी। भुवनेश्वरी कुमारी कोटा की निवासी हैं। इन्हें 1969 में तथा इनके पिता कोटा के महाराव भीम सिंह को 1971 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पश्चात आती हैं कुमारी समता शर्मा, जोधपुर निवासी हैं। चमड़े पर स्वर्ण चित्रकारी नक्काशी की प्रसिद्ध कलाकार हैं ये, और ये विश्व की सबसे कम आयु की हस्तशिल्पी बन गई हैं। इनके बाद नाम आता है रमा देवी का। ये 1937 में बाड़मेर में जन्मी कांच की कशीदाकारी की ये प्रसिद्ध कलाकार हैं।